Cooking is all about creating something delicious. Hi, I am Ritu Jha. Welcome back to my channel Relish with Ritu. आज हम बनाने वाले हैं दाल मखनी, जिसे बनाना बहुत ही सिंपल है। हाँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन इस तरीके से बनाने से आपको दाल मखनी का ऑथेंटिक टेस्ट मिलेगा। तो बिना देर किए चलते हैं किचन की ओर। इसे काली दाल, माँ की दाल, दाल बुखारा या लंगर वाली दाल भी कहते हैं। हमने 200 ग्राम काली दाल लिया है, जिसमें हम 2-3 कप पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से वॉश करेंगे। दाल को हम हाथ पे रगड़ रगड़ के बहुत ही अच्छे से वॉश करेंगे। दाल को हमें 4-5 बार अच्छे से वॉश करना है। अब हम ये पानी निकाल के इसमें और पानी ऐड करेंगे। अब वॉश किए हुए दाल में हम 0.5 लीटर पानी ऐड करेंगे और इसे कम से कम 5-6 घंटे तक सोक करेंगे। आप इसे ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। दाल को हमने 6 घंटे सोक किया है। आप देख सकते हैं दाल का कलर भी चेंज हुआ है और ये साइज में भी डबल हो गया है। अब इस दाल को हम हाथ पे रगड़ रगड़ के और एक बार वॉश करेंगे और इसमें से पानी निकाल देंगे। अब इस दाल को हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 लीटर पानी और 1 टीस्पून नमक। अब हमें इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे उबलने देना है। टाइम बचाने के लिए आप इसे कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन कुकर में बॉईल करने से दाल के छिलके अलग हो जाएंगे। दाल में एक उबाल आने के बाद हम गैस ऑफ करके ये पानी निकाल देंगे। हमने इसमें से पानी निकाल दिया है। अब हम इसमें 1 लीटर पानी ऐड करेंगे और दाल पकने तक इसे उबालेंगे। ये दाल बॉईल होने के लिए कम से कम 2 घंटा लगेगा। आप टाइम बचाने के लिए इसे कुकर में बॉईल कर सकते हैं, लेकिन दाल मखनी के ऑथेंटिक टेस्ट के लिए आपको इसी तरीके से बॉईल करना होगा। तकरीबन 2 घंटे के बाद दाल मशी हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये दाल पूरी तरीके से पक गया है और एकदम मशी हो गया है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। अब हमें बनाना है टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी के लिए हमने 3 मीडियम साइज टोमेटो और 3 कश्मीरी लाल मिर्च डीसीड करके बॉईल किए हैं। अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे और ये हमारा टोमेटो प्यूरी तैयार है। अब हम गैस पे कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गरम होने के बाद हम उसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और टोमेटो प्यूरी। हम इसे 20-25 सेकेंड के लिए कुक करेंगे ताकि हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट और टोमेटो पेस्ट अच्छे से भून जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हमने भून लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल मखनी में गरम मसाले डालना ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसमें मसाले यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल मखनी मतलब ढेर सारा मक्खन और घी। आप इन दोनों चीजों को जरूर डालें, नहीं तो आपको वो ऑथेंटिक टेस्ट नहीं मिलेगा। अब हमें ऐड करना है बॉईल किया हुआ दाल। अब दाल को हम स्मैशर से मैश कर लेंगे ताकि हमारा दाल एकदम स्मूथ, क्रीमी और थिक हो जाए। अब हम इसमें और 1 टेबलस्पून बटर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब डालेंगे 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम डालने से हमारा दाल एकदम क्रीमी हो जाएगा। इसे मिक्स करने के बाद हम गैस ऑफ कर देंगे और अब हमारा दाल मखनी सर्व करने के लिए तैयार है।
आप इसे कोरिएंडर और फ्रेश क्रीम से गार्निश कर सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में ही बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोस पोस्ट करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही क्विक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।